टेक्नोलॉजी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 से 5 चैनल्स को लेकर बात करने वाले हैं जिनके ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी में हमारे बीच बदलाव कर दिया गया है। वैसे तो देखिए, हम आपके बीच हर कोई नए चैनल को लेकर या फिर जो चैनल हमारे बीच बंद होने वाले होते हैं उसको लेकर पूरी जानकारी देते आ रहे हैं, और आज एक बार फिर से हम आपको उसी प्रकार की जानकारी देने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ चैनल्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें चेंजेस हो गए, यानी बदलाव हो गया है। अगर आपने भी G30 जो कि 83 डिग्री ईस्ट सी बैंड का सैटेलाइट है उसका सेटअप अपने घर पर किया हुआ है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो 4 से 5 चैनल्स के नाम आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये सभी के जो है अपने ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी को बदल चुके हैं और जल्द ही पुराने ट्रांसपोंडर फ्रिक्वेंसी में ये एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो वो जो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जब आपको कुछ ही दिनों बाद नहीं मिलने वाले, इसलिए अभी आपके पास मौका है इन चैनल्स को स्कैन करने का, और अगर ये ट्रांसपोंडर को रिसीव नहीं हो रहा है तो डिश एंटीने को प्रॉपरली अलाइन कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने चेंजेस क्या किए हैं। ये जो चैनल्स आपको मैं नाम बताने जा रहा हूँ, इन्होंने G30 से पोजीशन बदलकर अपने G10 सैटेलाइट कर ली है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है यानी जो सिग्नल्स आपको 83 डिग्री ईस्ट के मिल रहे हैं वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि G30 और G10 दोनों ही सैटेलाइट एक ही डिग्री पर लॉन्गिट्यूड पर अवेलेबल है, इसलिए हमें कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सिग्नल्स में कुछ आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिले, यानी प्रॉपर सिग्नल ना आ रहे हों। अगर आपके पास छोटे साइज का डिश एंटीना लगा हुआ है, अगर आपके पास बड़े साइज का डिश एंटीना है 6 या 8 फीट का है, तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हमारा बताना फर्ज बनता है, इसलिए आपको मैं सीधा टीवी स्क्रीन की ओर ही ले जाकर इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, सीधा ही आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर लेकर आ चुका हूं, और यहां पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां पर कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर लिया है। जो पहले आपको G30 जो कि 83 डिग्री ईस्ट पर सैटेलाइट अवेलेबल है उससे चैनल्स देखने को मिला करते थे, तो वही जो है इन चैनल्स ने अपना सैटेलाइट बदलते हुए G10 कर लिया है सी बैंड पर, और जो डायरेक्शन रहेगी यानी लॉन्गिट्यूड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा 83 डिग्री ईस्ट, क्योंकि दोनों सैटेलाइट जो है G30 और G10 वो एक ही लॉन्गिट्यूड पर मौजूद हैं और दोनों के चैनल्स एक ही डिश पर कैच किए जा सकते हैं, रिसीव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओ टी वी नेटवर्क है जिनका तरंग चैनल, तरंग म्यूजिक, उड़िया चैनल्स है मोस्टली, और प्रार्थना टीवी और अलंकर, ये जो चैनल्स हैं वो आपके लिए फ्रिक्वेंसी तब्दील कर चुके हैं। अब जो नई फ्रिक्वेंसी इनको मिली है वो रहेगी 4074 वर्टिकल 9600। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो रहेगी 4074 वर्टिकल 9600। इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप सेट करते हैं 83 डिग्री ईस्ट सी बैंड सैटेलाइट पर तो आसानी से जो चैनल्स आपको रिसीव हो जाएंगे। सिग्नल की बात करें तो आपको क्वालिटी 92% है, सिग्नल आपको क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। बाकी इसके अलावा 2 चैनल्स और है जो कि इसमें नज़र आ रहे हैं, जिसका नाम है Test 6 जो कि टेस्ट स्लॉट है, और इसके अलावा जो है हमारे बीच Test HEVC HD के नाम से जो है एक चैनल शुरू हुआ है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो भी सेम ही रहती है, और ये जो ब्लैंक स्क्रीन है, क्योंकि ये जो HEVC पोर्टेबल चैनल है तो ये हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पाएगा जिनका MPG4 का बॉक्स है। अगर आपके पास MPG4 से ऊपर का HEVC बॉक्स है तो उसी में जो चैनल है वो रिसीव हो पाएगा। दोस्तों, ये जो चैनल्स हैं उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी में बदलाव किया है, और जो पुरानी फ्रीक्वेंसी में चैनल्स देखने को मिला कर रहे थे वो जो है वहाँ से बंद हो जाएंगे। बाकी इन चैनल्स को लेकर अगर मेरे में कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।